नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज, जो आपके संघर्ष का सच्चा साथी। दोस्तों, यहाँ पर अनुदेशक से संबंधित दो बड़े समाचार, दो बड़ी अपडेट हैं। पूरा समाचार विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन प्रेस कर दें। अनुदेशक शिक्षक द्वितीय चरण ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर, ओटीपी न प्राप्त होने की समस्या का समाधान। अनुदेशक शिक्षकों को जनवरी माह का 15 दिन का मानदेय ही मिलेगा, वो भी अगले हफ्ते मिलने की उम्मीद है। ये दो बड़े समाचार आ रहे हैं, विस्तार पूर्वक इन पर चर्चा करते हैं इस खास वीडियो में। आपसे पुनः एक बार निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन प्रेस कर दें। सामान्य साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय अनुदेशक द्वितीय चरण ट्रांसफर का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लगभग अधिकतर अनुदेशक अनुदेशिकाओं ने अपना फॉर्म फिलअप करवा दिया है, यानी कि अप्लाई कर दिया है, आवेदन कर दिया है। लेकिन कुछ हमारे सम्मानित शिक्षक साथी बहनें, जिनका ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है, उनके लिए सूचना है। पूर्व के वीडियो में भी बताया गया था, दोबारा एक बार फिर से आप सभी को बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कैसे पूरा प्रोसेस कर रहा है। परियोजना द्वारा है ज़िला समन्वयक प्रशिक्षण समस्त जनपदों को ये निर्देश दिए गए हैं। कृपया ध्यान दें, अंशकालिक अनुदेशक नवीन विद्यालय के अनुबंध नवीनीकरण के द्वितीय चरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने में कतिपय जनपदों के अंशकालिक अनुदेशकों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त न होने की समस्या से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जा रहा है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद जिन अंशकालिक अनुदेशकों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है, उन अंशकालिक अनुदेशकों का जनपद के MIS कोऑर्डिनेटर से संबंधित अंशकालिक अनुदेशक का मोबाइल नंबर रीसेट करवाएं। यदि इसके बाद भी ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे सभी अंशकालिक अनुदेशकों का नाम और मोबाइल नंबर, मानव संपदा आईडी, URIS कोड, विद्यालय का नाम एवं विद्यालय का छात्र नामांक की सूचना जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के पत्र के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय को तत्काल सूचित करवाएं, अर्थात ये सूचना तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें। साथियों, आपने जाना समझा, अगर आपका ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप एक प्रार्थना पत्र तैयार कीजिए, हेडमास्टर के उसमें सिग्नेचर करवाइए और वो प्रार्थना पत्र आप खंड शिक्षा अधिकारी जी के ऑफिस में जमा करिए और वहाँ से वो पत्र आपका जिला विशेष शिक्षा अधिकारी पहुँच जाएगा। वही पत्र सीधा सबका कलेक्ट करके राज्य परियोजना कार्यालय पहुँचा दिया जाएगा, जहाँ पर आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। यदि ओटीपी ना प्राप्त होने की समस्या समाधान समाचार, अगला समाचार है, अगले हफ्ते तक आपको जनवरी का मानदेय, जो कि सिर्फ 15 दिन का मिलेगा, प्राप्त होने की उम्मीद है, हालांकि हो जाएगी। आज तक अब तक की ये थी बड़ी खबरें। एक सूचना आप सभी के लिए, अब प्रत्येक रविवार को अनुदेशक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं टीके देव के साथ, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनुदेशक भविष्य को लेकर होगी बात आपसे रूबरू होते हुए। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।